हेलो एवरीवन, मैं हूँ अफाफ और सभी का स्वागत है एक और नए फ्रैगबो शूटर के वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को ब्रॉल लॉटरी इवेंट जो आया है फ्रैगबो शूटर में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और गेम प्लेस भी दिखाऊंगा। तो ये जो इवेंट है इसमें आप लोगों को ऑगमेंट्स वाले रिवॉर्ड्स मिलेंगे और इसमें आप लोगों को टिकट्स जमा करना है और स्पिन करना है और ये रिवॉर्ड्स को निकालना है। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड्स निकालना कैसे है, ये रूल्स है, आप इसे पढ़ सकते हो और मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो इस इवेंट में आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से फ्रैग करना है और इस बार वो जैक एंड टिमी है। तो आपको आपके अपोनेंट के कैरेक्टर्स को जैक एंड टिमी से फ्रैग करना है और जब आप उन्हें फ्रैग कर दोगे तो जहां पर आपने उन्हें फ्रैग किया है वहां पर आपको टिकट मिलेंगे। तो आपको टिकट उठाना है और आप जैक एंड टिमी से उठाओ या आप अपने किसी और कैरेक्टर से उठाओ, लेकिन आपके अपोनेंट के कलेक्ट करने से पहले आपको वो टिकट कलेक्ट कर लेना है। फ्रैग दोनों में से कोई भी करे, टिकट्स कोई भी कलेक्ट कर सकता है इसलिए। और हर दिन का टिकट्स कलेक्ट करने का एक लिमिट है। ये जो ब्रॉल वाला इवेंट है आप इससे टिकट्स कलेक्ट कर सकते हो एक दिन में 5 मैच से, और जो नॉर्मल 1v1 है उससे भी आप टिकट्स कलेक्ट कर सकते हो एक दिन में 5 मैच से। लिमिट खत्म होने के बाद और टिकट्स कलेक्ट नहीं कर सकते, अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। और अब मैं आपको ब्रॉल और 1v1 दोनों के ही गेम प्लेस दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने टिकट्स कलेक्ट किया है। तो ये है ब्रॉल लॉटरी वाला मैच, तो इसमें मैंने कैसे टिकट्स कलेक्ट किए वो आप देखना और ये पूरा मैच देखना, काफ़ी ज़बरदस्त मैच होता है। और इसके बाद एक और मैच दिखाऊंगा 1v1 वाला, वो भी काफ़ी बढ़िया मैच हुआ था। तो अभी मैं जैक एंड टिमी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैक एंड टिमी यूज़ करना है फ्रैग करने के लिए, तभी टिकट्स मिलेंगे। और मेरे भी सारे कैरेक्टर्स 9 लेवल के, उसके भी। तो जो अपना पुराना था ना, पहले फ्रैग में होता था इवेंट्स जो होते थे कैरेक्टर वाले, 9-9 लेवल के कार्ड सबके पास होते थे, वैसा ही कुछ हिसाब है। देखो, मैंने फ्रैग किया तो मुझे टिकट्स मिले और मैंने कलेक्ट कर लिया। जैक एंड टिमी से फ्रैग करना है और टिकट्स कलेक्ट करना है। तो अभी तो यहाँ पे कोई अपोनेंट्स आ नहीं रहे थे, तो देखो अब लगता है मैं वापस से बेस में जाऊँगा। हाँ, मैं बेस में जा रहा हूँ। और देखो भाई, मेरे बेस का क्या हाल बना दिया उसने। अगर मैं मैच हारता ना तो मुझे एक भी टिकट्स नहीं मिलते। इतना याद रखना कि आपको फ्रैग करके टिकट्स भी जमा करने हैं और हारना भी नहीं है। हारोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई टिकट्स नहीं मिलने वाले। ठेंगा, देखो ये वायरस आई थिंक, और ये वायरस को हम मार रहे हैं और ये बस ख़त्म। तो यहाँ पे देखो एक और टिकट्स मिल जाएगा, टिकट मिल गया हमको, बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ, अब यहाँ पे आई थिंक हम बहुत सारा फ्रैग करते हैं, 3 फ्रैग करते हैं। देखो 1, 2, 3, हाँ। तो टिकट का बौछार हो गया यार, गजब। तो देखो भाई, एआई को अगर आप मारोगे ना तो काफ़ी आसानी से आप मार भी सकते हो एआई को और टिकट्स भी मिल जाएंगे। वो जैकल पैड्रे को मैंने मारा और ये बस, अभी ये बेस वगैरह तोड़ के देखो, अभी आप पॉइंट्स देखो, हमारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट करीब आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखना गेम में क्या ही ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा गेम। अभी ये मैंने 2 फ्रैग किए और ये टिकट्स भी 2 मिले, लेकिन मुझे ये गेम जीतना है कैसे भी करके। अगर मैं जीतता नहीं तो मुझे एक भी टिकट नहीं मिलते। अब आप देखना कि मैं कैसे जीता। तो ये, और मैंने एक और हेल्थ लगाया, और देखो भाई उसका कैरेक्टर आई थिंक वायरस है, वो उसने मेरा और एक बेस तोड़ दिया। अब वो सीधे चार्ज करेगी फाइनल बेस के लिए, ये उसका एबिलिटी है। अच्छा हुआ बच गए। और अब हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं अपना फाइनल बेस बचाने के लिए। और पीछे से मायरा को भी कमांड दे दिए थे शायद से, नहीं मायरा कमांड नहीं दिए। ओ भाई देखो, ये वायरस को ख़त्म किए, मेरा पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स देखो। अब मेरा हालत यहाँ ख़राब है कि भाई हम इतना सारा टिकट्स कलेक्ट किए हैं, हार जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो हम थोड़ा भी डिफेंड कर रहे हैं। भाई साहब, मेरा पॉइंट्स कितना कम है और उसका ज़्यादा है। और यहाँ पे देखना होगा क्या, अभी हम रेड शैडो यूज़ कर रहे हैं, अभी क्लच मोमेंट देखना भाई लोग। ये भी हमको एबिलिटी यूज़ कर दिया रिक्रॉक, और अभी पटास, क्या परफेक्ट लगा भाई उसको। और हम रिक्रॉक को मार दिए और उसके बाद मिस्टर डो को भी मार दिए, और अभी हम डिफेंड कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या, 100 पॉइंट्स से ज़्यादा का डिफरेंस होता तो हम ऑटोमेटिकली मैच जीत जाते काउंटडाउन खत्म होने के बाद, लेकिन 100 पॉइंट्स से कम का डिफरेंस था तो ये ओवर टाइम में चल गया। अब हमको एक फ्रैग एटलीस्ट करना है
और वो फ्रैग हम करेंगे और देखना कैसे जीतते हम। थोड़ा डर भी है कि भाई अचानक से आके बेस में ना घुस जाए, और ये रिक रॉक को आओ ने ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ मैं ये मैच जीत जाता हूँ। और टिकट्स देखना कितने मिलते हैं। टिकट मिले हमें 7। तो भाई देखो भाई, बढ़िया मैच था भाई, काफ़ी रोमांचक हो गया लास्ट लास्ट में। अब ये मैच जो आप देखने वाले हो, ये नॉर्मल 1v1 वाला मोड वाला मैच है। तो जिसके पास जैक एंड टिमी है वो अपने डेक में डाल लेना जैक एंड टिमी को, और जिसके पास नहीं है उसका भी तरीका मैं बताता हूँ। तो देखो, मेरे पास जैक एंड टिमी है तो मैं अभी जैक एंड टिमी यूज़ करूँगा इस मैच में, और फ्रैग करके अपोनेंट के कैरेक्टर्स को टिकट्स कलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर आपके पास जैक एंड टिमी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपको आपके अपोनेंट के जैक एंड टिमी से फ्रैग होना है, और फिर जो टिकट्स गिरेंगे उसे आपको अपने दूसरे कैरेक्टर से कलेक्ट करना है आपके अपोनेंट के कलेक्ट करने से पहले। तो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है इसमें, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास जैक एंड टिमी नहीं है तो यही एक रास्ता है 1v1 में। और ब्रॉल वाला में तो आपको जैक एंड टिमी फ्री में मिलेगा ही खेलने को। तो ये मैंने हेल्थ लगाया, और देखो अभी काफ़ी बढ़िया फाइट होता है इसमें भी। ये गीगागू का भाई AI हमको बहुत सही लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है भाई गीगागू? भले जैसा भी कार्ड है, लेकिन भाई ये जब भाई बराबर एकदम बराबर भाई ये अपना एबिलिटी यूज़ कर लेता है जब एकदम आप इसके क्लोज जाओ तो। और देखो जैक एंड टिमी मरा, तो अब हम स्टेला को यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम स्टेला को यूज़ कर रहे हैं। और वैसे तो हमको गेम ख़त्म उतना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपोनेंट कमज़ोर भी है, लेकिन फिर भी हम स्टेला से बेस बर्बाद कर रहे थे। और अब हम जैक एंड टिमी पे स्विच कर गए, तो हम जैक एंड टिमी से फ्रैग करने की कोशिश और करेंगे, और टिकट्स देखना इसमें कितने मिलते हैं। तो ये वाला हमको ना इवेंट अच्छा लगा, इवेंट हमको बहुत सही लगा इसमें। फाइनली भाई इतना अच्छा इवेंट आया जिसमें हम लोग ऑगमेंट्स इतना बढ़िया से कलेक्ट कर सकते हो, अभी लेजेंडरी ऑगमेंट मिलने का भी चांस है। तो ये मिस बनी भी गई और टिकट निकाले, और गीगागू को देखो कितना ज़बरदस्त मारे, मतलब ज़्यादा एम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है जैक एंड टिमी में। इसका काफ़ी अच्छा असिस्ट भी है, एम असिस्ट अच्छा है इसका। और ये बस मैच ख़त्म होने वाला है। ये स्टेला तो भाई परेशान है बेस तोड़ने के पीछे, लेकिन हमको तो फ्रैग करना है। और ये वैंडाल को हम बस ये फ्रैग किए और गेम ख़त्म। तो इसमें देखना कितना टिकट्स मिले, इसमें हम सोचे नहीं थे कि पिछले से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पिछले से ज़्यादा मिला और 8 टिकट्स मिला। तो ये था दोस्तों ब्रॉल लॉटरी इवेंट का एक्सप्लेनेशन और गेम प्ले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।